प्रभु के वचन से ध्यान के लिए, ध्यान और मनन के लिए आज बाइबल के उत्तरार्ध मतलब मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय को खोल लीजिए। मत्ती रचित शुभ संदेश मतलब मत्ती नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया शुभ संदेश 8वां अध्याय खोल लीजिए। आज के अध्ययन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 5वें पद से आगे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने प्रभु के पास आकर प्रभु से विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे रोग से बहुत पीड़ित पड़ा है। प्रभु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने प्रभु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत तले पधारें, केवल अपने मुख से कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये प्रभु यीशु के जीवन में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। जब सूबेदार का मतलब है रोमी व्यक्ति, उस समय का थोड़ा सा इतिहास जानना हमारे लिए उपयोगी होगा। प्रभु यीशु की सारी जीवनी मुख्यतया यहूदियों के देश में हुई थी, वहां के मूल निवासी यहूदी थे। लेकिन आज से कुछ दशाब्दियों पहले रोमी साम्राज्य ने इन सब के ऊपर काबू कर लिया था और यहूदी अपने ही देश में गुलाम थे। यहूदी ना केवल अपने देश में गुलाम थे, यहूदियों और रोमियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। जो गुलाम है उसको गुलाम के रूप में अपने देश में अपनी स्वयं की मातृभूमि में रहना पड़ता था। अपनी स्वयं की मातृभूमि में रहते हुए भी उसे इन विदेशियों को टैक्स देना पड़ता था। 50 तरह के टैक्स उन लोगों ने लगा रखे थे। और आज के समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि वहाँ टैक्स के नाम पर लूट होती थी। कौन टैक्स उगाही करेगा, इसके लिए वहाँ बाकायदा बोली लगती थी। यहूदियों के बीच में जो गुंडे और लुच्चे लोग होते थे वो बोली लगाते थे कि हाँ, मैं इस साल यहूदियों से इतना वसूल करके रोमी साम्राज्य को दे दूंगा, तो दूसरा कहता था मैं उससे दुगना वसूल करूँगा। इस तरह से यहूदियों में से जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको टैक्स उगाही का काम दे दिया जाता था। और यदि उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए 5 लोगों से कलेक्ट करना पड़ता था तो वो कलेक्ट करता था 50, बाकी उसकी जेब में जाते थे। लेकिन यहूदी लोग मुंह खोल के जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो लोग इस तरह से टैक्स लेते थे वो होते ही लुच्चे और गुंडे थे, और उन्होंने अपने और भी बहुत सारे चेले चपाटे गुंडे पाल रखे थे, जो लोगों को मारपीट और जो कुछ करना है करके इवन उनकी जमीन बेचकर पैसा वसूल करते थे। तो यहूदियों के अपने स्वयं के देश में कई प्रकार के लेवल्स थे। सबसे नीचे उस देश के मूल वासी थे, उसके ऊपर उन्हीं के वे भाई बंद जो रोमी शासन के लिए कार्य करते हैं, और सबसे ऊपर थे रोमी लोग जो यहूदियों को नंगे भूखे और गुलाम समझते थे। इस कारण कोई भी रोमी व्यक्ति कभी भी किसी यहूदी के पास कोई रिक्वेस्ट या अनुरोध लेकर नहीं आता था, कोई विनती लेकर नहीं आता था। ऐसे समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सूबेदार, एक सूबे के ऊपर जो सबसे ऊपर व्यक्ति था, यहाँ ये नहीं बताया गया है कि वो यहूदी था या रोमी था। यदि यहूदी था तो भी वो रोमियों के द्वारा दिए गए अधिकार के द्वारा कार्य कर रहा था, इसलिए वो व्यवहार लोगों से वैसा ही करता जैसा कि रोमी लोग करते हैं।
रोमी से मेरा मतलब है रोम के लोग, जो किसी जमाने में दुनिया में सबसे महान शक्ति हुआ करती थी। हिंदुस्तान के साथ उनका लेन देन था, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। इतनी महान शक्ति थी कि आज से 2000 साल पहले हिंदुस्तान के साथ उनका लेन देन था, और हिंदुस्तान में खासकर केरल से उनका लेन देन था। केरल में वो आते थे काली मिर्च लेने के लिए, और केरल वाले सिर्फ 24 कैरेट सोने का सिक्का उनसे लेते थे और उसके बदले काली मिर्च देते थे। वो लोग इतने धनी थे कि 24 कैरेट के सोने के सिक्के देकर बाकायदा केरल से माल असबाब ले जाते थे, और उसमें से सोने के एक भंडार जो कि मलबार इलाके में आज से कुछ साल पहले मिला था, 8 मजदूर अपने सर पर रख कर ले गए। एक मजदूर अपने सिर पे कितना वजन रख सकता है? सोने के सिक्कों से भरे हुए 8 टोकरे मजदूर अपने सर पर लाद कर पुलिस स्टेशन ले गए, ऐसा खबर है। इतने धनी थे रोमी लोग कि वहाँ से हजारों किलोमीटर हिंदुस्तान में वो पैसा पहुँचाया करते थे। ऐसे रोमी शासन के अंडर काम करने वाले अफसरान, यदि वो रोमी हो तो या यहूदी हो तो, जनता को तो बिल्कुल अपने पैरों तले दबा के चलते थे। इसलिए रोमी शासन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई सूबेदार अनुरोध लेकर, रिक्वेस्ट लेकर एक यहूदी, प्रभु यीशु यहूदी थे, एक यहूदी के पास आए, ये तो अपने आप में बड़ी अनहोनी थी। लेकिन ये अनहोनी इसलिए हुई कि जो व्यक्ति ये अनुरोध लेकर आया था वो अपने ओहदे को तो पहचानता था, लेकिन उसके साथ साथ वो इस बात को भी जानता था कि प्रभु यीशु कौन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिन्होंने इस संसार के सृष्टा को पहचान लिया है, वो व्यक्ति जब सृष्टा के बारे में बात करता है, हमारे सृजनहार के बारे में बात करता है, पालनहार के बारे में बात करता है, तारणहारे के बारे में बात करता है, तो वो आदर और दीनता के साथ बात करेगा। इस सूबेदार के जीवन में हम ये देखते हैं कि जो जनता को सिर्फ मिट्टी समान समझते थे, जो जनता को खेत की मूली समझते थे कि जब इच्छा हुई उखाड़ लिया, जब इच्छा हुई काट दिया, ऐसे समूह में से वो सूबेदार प्रभु के पास आता है, क्योंकि उसने पहचाना कि प्रभु कौन है। प्रभु ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा दास लकवे से पीड़ित है, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। तब उस सूबेदार के मन में जो बात घट रही थी वो बाहर आ जाती है। ध्यान से देखिए, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके पहले प्रभु से कहा था, प्रभु जरा मेरे घर चलिए। उन्होंने प्रभु को आधा अधूरा समझा था, लेकिन यहाँ एक आदमी है जिसने प्रभु को पूर्ण रूप से समझा, और जब प्रभु से अनुरोध किया कि प्रभु मेरे दास को चंगा कर दीजिए, और जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो उसकी स्थिति तो ये हुई कि वो आसमान से गिरा। वो बोला कि प्रभु आप मेरे घर आएंगे? नहीं नहीं नहीं, इस संसार की जिस व्यक्ति ने सृष्टि की है वो मेरे घर आए, इस बात को मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता। देखिए उसने क्या जवाब दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए, अपने मुख से कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु को कितनी अच्छी तरह से उसने पहचाना, और प्रभु को पहचान कर कितने सही तरीके से उसने प्रभु को मन में आदर दिया, और उस आदर को उसने कितने स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया। आगे बढ़ने से पहले आज शाम को ये प्रश्न यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों से, सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति की सृष्टि परमपिता परमात्मा ने की है। उस
प्रभु ने, उस परमेश्वर ने जिन्होंने मेरी और आपकी और इस दुनिया के सब व्यक्तियों की, सब पेड़ पौधों और जानवरों की सृष्टि की है, उस व्यक्ति के बारे में जब हम सोचते हैं, तो क्या जिस तरह से सृष्टि को अपने सृष्टा के बारे में सोचना चाहिए, क्या हम उस तरह से नम्रता के साथ, भय के साथ, भक्ति के साथ प्रभु के बारे में सोचते हैं क्या? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि कई बार जब हम इस तरह से सत्संग में आते हैं, बार बार आते हैं, प्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, तो इस बात की संभावना है कि हम इस बात को भूल जाएं कि प्रभु कौन है। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं, जब अपन अपने अपने गांव में जाते हैं, अपने घर बार जाते हैं, तब अपन सबों के घरों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने जाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। हमारे परिवार में अपने स्वयं के पिता के सामने खड़े होने की हिम्मत मेरी पीढ़ी तक में किसी को नहीं, हिम्मत नहीं थी। 40 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद मैंने पहली बार अपने फादर को मुंह पे देख के बातचीत शुरू की। फादर की हालत ये कि जब उनके पिताजी गुजर गए, 90 साल की उम्र में जब उनके पिताजी गुजर गए, तब उनको दफनाने से पहले मेरे फादर ने वहाँ खड़े होकर कहा, जिसका वीडियो मैंने देखा, कि मैं अपने पिताजी के मुंह को डायरेक्टली देखने के लिए मुझे आज पहली बार हिम्मत हुई है। इस मंडली में भी एक दो लोग जिनके पिता लोग गुजर गए थे, जो मेरी हम उम्र या मुझसे बड़े हैं, उनको ये मैंने कहते सुना है कि पिताश्री के मुंह पर देखने की हिम्मत आज पहली बार हुई है जब वे गुजर गए। यह है आदर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यह है आदर, आदर होना चाहिए। और उस आदर का उदाहरण लेकर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम अपने पिताश्री के प्रति या अपने बड़े भाई के प्रति या अपने ताऊ के प्रति या मामा जी के प्रति जब इतना आदर और इतनी भक्ति दिखाते हैं, तो वो अपने आप में अच्छी बात है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि जिसको आदर देना है उसको आदर देना ही चाहिए। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति के हिसाब से अन्य नश्वर व्यक्तियों को आदर देते हैं, तो जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, जब प्रभु के बारे में बोलते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं और जब प्रभु का वचन खोलकर पढ़ते हैं, तब हमको प्रभु के प्रति उससे सैकड़ों गुना, हजारों गुना आदर, भय और भक्ति प्रदर्शित करना चाहिए। ये सूबेदार जिसने कभी भी प्रभु के वचन को शायद हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय प्रभु का वचन तो यहूदियों के हाथ में था, जिसने शायद कभी प्रभु के वचन को पढ़ा नहीं था, ऐसा व्यक्ति प्रभु से कहता है, प्रभु आप मेरी छत के तले आए, उसके लिए मैं योग्य नहीं। यह है आदर, यह है प्रभु के प्रति भय और यह है प्रभु के प्रति भक्ति। उसके बाद सूबेदार ने एक वाक्य बोला जो हम में से कई लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। वो वाक्य इस तरह से है, मैं भी दूसरे के अधीन मनुष्य हूं और जो सिपाही मेरे अधीन है, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। इसका क्या मतलब है? उसका कहना ये था, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि इस संसार में एक क्रम है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सबसे ऊंचे ओहदे पर एक व्यक्ति है, एक सूबेदार है। मैं जिस सिस्टम में हूँ उसमें मैं इस समय जिस ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हूँ वो सूबेदार का है। मेरे नीचे है सिपाही, कौन?
रोमी सिपाही जो किसी का भय नहीं मानते, जो दो धारी तलवार लेकर चलते हैं, और जिससे किसी ने यदि उनसे तय करने की कोशिश की तो काट कर फेंक देते हैं और उनसे कोई जवाब नहीं पूछा जाता कि क्यों काटा क्यों फेंका। लेकिन सूबेदार होते हुए जब मैं उस सिपाही से कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, मैं कहता हूँ आओ तो आता है। क्यों? यह एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वो चूंकि मेरे अधीन है और मैं चूंकि उसके ऊपर हूँ, तो मेरे अधीन जो व्यक्ति है वो इस बात को जानता है कि मेरे ऊपर जो भी व्यक्ति है जो सूबेदार है उसका कहना मानना मेरे लिए जरूरी है। उससे भी नीचे है प्रभु दास, उससे मैं जो कुछ कहता हूँ वो वह करता है। तो प्रभु के सामने कहता है प्रभु मैं अपने स्वयं के जीवन में एक व्यवस्था देखता हूँ, उस व्यवस्था में मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझसे नीचे रोमी सिपाही जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, जो बिना किसी से पूछे सामने आने वाले व्यक्ति को काट कर फेंक सकता है, उससे जब मौखिक आदेश देता हूँ चला जा तो चला जाता है, इतना पावरफुल व्यक्ति। इस कारण उसके बाद सूबेदार का कहना है प्रभु यदि मनुष्य के बनाए हुआ सिस्टम जिसमें जो ऊपर है उसकी आज्ञा बिना कोई प्रश्न पूछे पूर्ण होती है, तो जब इस संसार का सृष्टा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में पधारे हैं तो प्रभु सारी सृष्टि आपके अधीन है, और आप यदि सृष्टि को एक आदेश दे देंगे तो सृष्टि उस आदेश को पूर्ण करेगी। कहने का मतलब यदि आप उस बीमारी को आदेश देंगे छोड़ जाओ उस दास को, तो वो बीमारी उस दास को छोड़कर चली जाएगी और दास चंगा हो जाएगा। ये है उसके कहने का मतलब। संसार में एक व्यवस्था है और जो ऊपर है उसका कहना नीचे जो भी है उसके अधीन वो पालन करता है, उसी तरह से इस पूरे विश्व में एक क्रम है, सृष्टा अपनी सृष्टि को जो भी आदेश देता है सृष्टि उस आदेश को पूर्ण करती है। इसलिए उसने कहा कि प्रभु मैं आपकी सृष्टि हूँ, सृष्टा पैदल चलकर सृष्टि के घर आए मैं सोच भी नहीं सकता, मैं अपने सिपाही के घर नहीं जाऊंगा, सिपाही को मेरे पास आना होगा, मैं अपने दास के पास नहीं जाऊंगा, मेरी वाणी सुनते ही सिपाही दौड़ता हुआ आएगा, मेरी वाणी सुनते हुए मेरा दास दौड़ता हुआ आएगा, मेरी वाणी सुनते ही मेरा गुलाम दौड़ता हुआ आएगा, ना कि मैं उसके पास जाऊंगा। उसी तरह प्रभु आप मेरे घर नहीं आएंगे, जी नहीं, ये तो अनहोनी है कि सृष्टा सृष्टि की सुने और सृष्टि के घर में आए, मैं एक बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ प्रभु, और इस कारण आप बस मुंह से आदेश कर दीजिए मेरा दास चंगा हो जाएगा। आज संध्या दोबारा वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आप जानते हैं कि वहाँ एक सिस्टम है, लोग भले ही उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करें लेकिन इसके बावजूद अंत में उसका पालन करना ही पड़ता है। विद्यार्थी चाहे कितनी भी मनमानी कर ले, होमवर्क ना करे, क्लास वर्क ना करे, खूब मटर गश्ती करे, खेले कूदे, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। वो यदि जाके कहे कि मैडम जी साल भर मैं खेलता रहा इस बार एग्जाम से माफ़ कर दीजिए, भैया जीवन की रीत है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सब इस समाज में जो अधिकार के अलग अलग स्तर रखे गए हैं ये उसका फल है। इसी तरह से जब हम आत्मिक जीवन को देखते हैं प्रभु ने वहाँ पर भी अथॉरिटी रखी है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। भय और भक्ति हमारे जीवन में जरूरी है।
प्रभु ने इसको देखकर इसके बारे में एक टिप्पणी की, जो हम 10वें श्लोक से आगे देखते हैं। वहाँ ये लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु को आश्चर्य हुआ। जो प्रभु के पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये सूबेदार इसराइली नहीं था, यहूदी नहीं था, रोमी था। यहूदी लोग रोमियों को उनसे घृणा करते थे। प्रभु ने अपना वचन यहूदियों को दिया था, इस कारण वो समझते थे कि हम तो प्रभु के वचन के रखवाले हैं, और ये रोमी जो आज हम पर डंडे से शासन करते हैं, ये कुछ भी नहीं, घृणा करते थे। प्रभु कहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा है, जिस तरह का विश्वास मैं इस गैर यहूदी, इस अन्य जाति व्यक्ति के जीवन में पाता हूँ। उसका मूल्यांकन फिर प्रभु यीशु ने दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, पर राज्य के संतान अंधकार में डाल दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यह सब ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग आम जीवन में मैं और आप नहीं करते, इसलिए मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। यहाँ राज्य की संतान का मतलब है यहूदी लोग। यहूदियों के एक महान नायक हुए थे मूसा। प्रभु यीशु से 1500 साल पहले हुए थे। उनका पालन पोषण उस समय संसार का जो महानतम राष्ट्र था इजिप्ट, उस राष्ट्र में हुआ 40 साल की उम्र तक। इजिप्ट का राजकुमार जो ट्रेनिंग पाता है, वैसा सर्वोत्तम ट्रेनिंग उन्होंने पाया। प्रभु ने उस व्यक्ति का उपयोग किया अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए। इसके साथ साथ प्रभु ने एक काम और किया, प्रभु का वचन लिखित रूप में अपनी जनता को प्रदान करने के लिए प्रभु ने इस महान नायक का उपयोग किया। मूसा नाम के व्यक्ति ने उत्पत्ति, बाइबल के पूर्वार्ध के शुरू के 5 ग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती व्यवस्था विवरण, इनकी रचना की। इसके अलावा भजन संहिता से पहले जो ग्रंथ है, काव्य है अय्यूब, उसकी भी रचना की। इस तरह से प्रभु के वचन के 6 ग्रंथों की रचना की। ये रचना करके उन्होंने यहूदियों को सौंप दिया, देखो प्रभु ने स्वयं लिखवा कर ये अपना वचन दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी सुरक्षा करना। और यहूदी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के उस वचन की सुरक्षा करते रहे। जो लोग केरल में हैं उनको एक बात बता दूं, यहूदियों की भाषा में लिखा हुआ ये महान ग्रंथ, इसकी एक कॉपी यहाँ कोच्चि में यहूदियों का एक आराधनालय है सिनेगॉग नाम से। कभी छुट्टी मिले, कभी घूमने फिरने का मन हुआ तो वहाँ चले जाएं, तो जिस तरह से मूसा के समय लिखा गया था लगभग उसी तरह से लिखी हुई कॉपी वहाँ पर है। यदि प्रभु की दया हो तो आप उसे देख लेंगे। जनरली वो बंद रहता है, कम से कम बाहर से देखना, ना देखने से बेहतर है जाके जरा देख लें। मेरा तो सौभाग्य था कि जिस दिन मैं गया उस दिन वो खोल के रखा हुआ था, तो मेरी तो देख के जो है जी प्रसन्न हो गया। आपकी भी मदद हुई तो आप भी जाके देख लें। मैं कह रहा था वो महान ग्रंथ आज भी प्रभु ने जिनको दिया था वे उसी रूप में सुरक्षित रखे हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे कॉपी देते गए। इसके अलावा प्रभु ने और भी बहुत सारे लोगों को उठाया। इस तरह से बाइबल के पूर्वार्ध में 39 ग्रंथ हो गए। ये 39 ग्रंथ सबके सब यहूदियों ने लिखे, सबके सब यहूदियों ने सुरक्षित रखे,
सबके सब यहूदियों ने कॉपी करके आगे बढ़ाया। जब प्रभु यीशु संसार में पधारे थे तब प्रभु भी यहूदी थे और प्रभु ने प्रभु का वचन जो पढ़कर सुनाया था वो भी इन्हीं यहूदी धर्म ग्रंथों में से था। यहूदी लोग अपने बारे में राज्य की संतान कहते थे। ये यह लिखा हुआ राज्य की संतान। राज्य की संतान का क्या मतलब? प्रभु ने भविष्य में जिस राज्य को स्थापित करने की घोषणा की है और प्रभु ने आज से हजारों साल पहले जिस दिव्य राज्य की घोषणा की है हम सब उसके सदस्य हैं। ये उनको घमंड था, हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु का वचन लिखित रूप में हमको दिया गया, प्रभु के वचन की प्रतियां कॉपियां हमारे हाथ में हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं, हम उसमें से प्रवचन देते हैं। प्रभु कहते हैं कि राज्य के संतान जिनको सब दिया गया है उनके बीच में ऐसा विश्वास नहीं है जैसा राज्य के बाहर से एक गैर यहूदी एक अन्य जाति आकर प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रभु ने कहा जिस तरह से ये गैर यहूदी आज प्रभु में अपना विश्वास प्रदर्शित करता है, जो इस बात को मान रहा है कि मैं सृष्टा हूं, उसके समान दुनिया के सारे राष्ट्रों से लोग मुझ पर विश्वास करेंगे और मेरे राज्य के अधिकारी होंगे, मेरे बच्चे बन जाएंगे। लेकिन जिनको ये वचन दिया गया उनमें से कई ऐसे हैं जो सच्चाई नहीं समझेंगे और मेरा तिरस्कार करेंगे और वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हम इस बात को जानते हैं कि जो इस संसार में आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर मनुष्य के लिए एक बार जन्म और उसके बाद न्याय नियुक्त है। जब वो न्याय होगा तब प्रभु के कहने का मतलब यह था जो दूर हैं वो पास होंगे और जो पास हैं वो दूर होंगे। ये जो वचन जो हमारे सामने आज प्रभु ने रखा है इसके आधार पर तीन चार बातें आज इस सभा के से मैं पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न, प्रभु को जो आदर हमारे जीवन में देना चाहिए वो आदर मैं और आप देते हैं क्या? और यदि मैं और आप वो आदर देते हैं तो प्रभु ने जब ये कहा कि मेरे पास आओ मैं तुमको उद्धार दूंगा, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, वो उद्धार हमने पाया है क्या? यदि प्रभु को प्रभु मानते हैं तो प्रभु जो कहते हैं वो मानेंगे भी, माना है क्या? तीसरी बात, यदि प्रभु को प्रभु माना है तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु के प्रति जो आज्ञाकारिता होनी चाहिए, प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए, ये आज्ञाकारिता है क्या? क्या हम अपने मन का नियंत्रण सुबह शाम रात ये सोचकर करते हैं कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूं, मेरे मन में ऐसी कोई बात ना आने पाए जो आपके नाम का अपमान करती है, जिससे आपकी महिमा नहीं होती है? क्या हम इस तरह से सोचते हैं? क्या हम प्रतिदिन प्रभु से ये कहते हैं प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मेरी वाणी में ऐसी ही बातें निकलें जो आपको महिमा देती हैं, मेरे कर्म ऐसे हों जिसे देखकर दूसरे लोग आपके नाम की महिमा करें? ये तीन बातें मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु को प्रभु माना है क्या? यदि माना है तो प्रभु के द्वारा प्रभु का निमंत्रण सुन के मुक्ति पाई है क्या? और यदि मुक्ति पाई है तो हमारे प्रतिदिन के जीवन में मनसा वाच्या कर्मणा प्रभु के नाम को महिमा मिलती है क्या? दूसरे लोग, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या कहते हैं, हम में से हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए बहुत समर्थ है। दूसरे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों की आपके प्रति गवाही क्या है? क्या वे कहते हैं ओ फलाना व्यक्ति, अरे भैया वो तो देव तुल्य है, उसका तो उसकी तो सोच इतनी ऊंची है कि हम कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसकी वाणी ऐसी है जैसे कि मुंह से मोती टपक रहे हों।
उसके कर्म ऐसे हैं कि देखकर हमें अपने आप के ऊपर लज्जा आती है कि भाई वो भी तो मेरे समान मनुष्य है, यदि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या समाज में आपकी गवाही ऐसी है? और यदि नहीं है, यदि नहीं है तो उससे संबंधित दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि गवाही क्यों नहीं है? यदि आप ईश्वर की संतान हैं तो आपके जीवन में ईश्वर की संतान जैसा जीवन प्रदर्शित क्यों नहीं होता है? और यदि नहीं होता है तो दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वाकई में आपने प्रभु को पहचाना है, क्या वाकई में आपने प्रभु को प्रभु जाना है? आप शायद कहेंगे कि शास्त्री सर, मैंने वाकई में आज से साल भर पहले, 5 साल या 10 साल पहले प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। उस समय जीवन में बड़ा उत्साह था, उस समय जीवन में बड़ी खुशी थी, लेकिन इस दुनिया के फेर में जो पड़े, रोटी कपड़ा और मकान के फेर में जो पड़े, तो मेरा जीवन ठंडा हो गया। यदि ठंडा हो गया तो अगला प्रश्न आपसे यह है कि भाई ठंडा हो गया जब इस बात को समझते हो तो वहां कहां क्यों खड़े हुए हो? जब तुम समझते हो कि कीचड़ में खड़े हो और गंदे नाली से पानी बहके तुम्हारे बदन को मलिन कर रहा है, और जब तुम देखते हो कि तुम्हारे बगल में सीढ़ियां हैं तो उन सीढ़ियों से चढ़कर गंदे नाले के सड़े हुए पानी से बाहर आने से तुमको कौन रोक रहा है? कोई नहीं, सिर्फ तुम रोक रहे हो। वो है जो आखिरी प्रश्न आज मैं आप सबके साथ छोड़ना चाहता हूं कि यदि मेरा और आपका जीवन यदि प्रभु के योग्य नहीं है तो जिस जगह हमने अपने आप को पहुंचा दिया है उस जगह से निकलकर वापस एक पवित्र, एक समर्पित और एक शुद्ध जीवन में वापस आने में क्या रोक है? प्रभु की तरफ से तो हमेशा निमंत्रण है, मेरे पास आओ। प्रभु बार बार याद दिलाते हैं। ये ना केवल प्रभु ने, प्रभु की जीवनी है उसमें भी मेरे पास आओ लिखा है, बाइबल का जो आखिरी पुस्तक है उसमें भी लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, द्वार खोलने की देर है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें।